हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि बुल्गेरिया एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और बहुत जल्द ये शेंगन का मेंबर बनने जा रहा है। आप इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए गूगल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। आप पाएंगे कि बहुत जल्दी ये पब्लिकली डिक्लेयर हो जाएगा कि सो एंड सो डेट को बुल्गेरिया जो है शेंगन स्टेट बनने वाला है। सो दिस इज़ द हाई टाइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपको बुल्गेरिया के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, राइट? क्योंकि आप में से अधिकतर क्रोशिया के लिए कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोशिया की मल्टीपल ओपनिंग्स हमारे पास चल रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि देखिए, क्रोशिया का टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें, राइट, पहले क्रोशिया का वर्क परमिट 3 महीने में आता था, अब 4 से 5 महीने में आ रहा है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज का। वीज़ा स्टैंपिंग में जो है 2 से 3 महीना लग रहा है क्रोशिया का। और अगर हम बात करें बुल्गेरिया की, तो बुल्गेरिया का आज के दिन भी जो है आपको VFS बुकिंग नहीं कराना होता। वर्क परमिट आ जाता है 4 महीना 5 महीना ऑन एन एवरेज। वर्क परमिट आने के बाद में 10 to 12 days में आपको डेट मिल जाती है, डायरेक्टली एम्बेसी आपको जाना होता है, 15 से 20 मिनट का फॉर्मेलिटी होता है और 10 days के अंदर आपको वीज़ा स्टैम्प होकर मिल जाता है पासपोर्ट पर, राइट? सो बुल्गेरिया इज़ अ गुड चॉइस, राइट? क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेट इज़ मोर देन 99%, इट्स क्विक, प्लस एक राइट इन्वेस्टमेंट है, एक राइट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि ये शेंगन का मेंबर बनने ही वाला है, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो बुल्गेरिया की मल्टीपल ओपनिंग्स हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, कुछ जनरल कैटेगरीज की ओपनिंग्स भी हमने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे पुराने ब्लॉग, तो प्लीज़ आप उनको चेक कर लें। हम लोग आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं, एम्प्लॉयर्स को भेजते हैं, फिर जो भी हमें लगता है कि हाँ डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको हम एक फाइनल इंटरव्यू में बिठाते हैं, उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी गो अहेड, राइट? अब फिलहाल ये जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे पर्पस क्या है? कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर्स ने बोला है कि इन डेजिग्नेशन के कैंडिडेट्स को आप रेडी कर लें इंटरव्यू के लिए, तो डेट्स हमारे पास आ गई हैं। बाकी के डेजिग्नेशंस में भी जो लोग मान लीजिए कुछ का, तो मैं नाम अभी ले रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर वैकेंसीज का इंटरव्यू इस दिन पर है। अब आप ये ना सोचें कि बाकी का क्या होगा, बाकी के भी डेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, राइट, आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले एक कॉमन सा वैकेंसी है, सबसे इजी वैकेंसी है, देखिए, जिन लोगों का क्वालिफिकेशन कम है, इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, राइट, मान लीजिए आपका पासपोर्ट ECR है या आप 10th pass हैं 12th pass हैं और आप चाहते हैं कि बस आपको बुल्गेरिया जाना है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर, साथ ही साथ आप फिजिकली फिट हैं और आपको लगता है कि आप मेहनत का काम कर लेंगे। देखिए, इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस बात को मैं बहुत ही स्ट्रेस कर रहा हूँ, राइट, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मेहनत का काम होता है जनरल वर्कर का। जनरल वर्कर का काम क्या होता है कि आपको जो भी बोलेंगे वो करना पड़ेगा, राइट? नेचुरली कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, यहाँ पे कोई सिविल का काम तो है नहीं कि आपसे ईंट पत्थर गारा डलवाएंगे, बट अंदर होएगा, बिल्डिंग के अंदर होएगा। अब जनरल वर्कर के हमारे पास दो ओपनिंग्स चलती रहती हैं, हमेशा आपने देखा होगा। एक तो होता है जो बेस किचन होता है, उसका हम लोग जनरल वर्कर्स के लिए इंक्वायरी ले रहे हैं। अगर आप एक रेप्यूटेड ब्रांड है जिनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं बुल्गेरिया के अंदर, उनका एक बेस किचन है। बेस किचन क्या होता है, मैं आपको बता दूं रफली, जो लोग हॉस्पिटैलिटी से नहीं है उनको नहीं पता होता है। देखिए, एक जगह होती है जहाँ से सारा सामान तैयार होके बाकी के रेस्टोरेंट्स में ब्रांचेस में जाता है सर्व होने के लिए, उसको बोलते हैं बेस किचन। बेस किचन के लिए अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन उसका इंटरव्यू का डेट अभी आया नहीं है, आपको इंटीमेट किया जाएगा। फिलहाल जो जनरल वर्कर्स हमें चाहिए, वो चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, राइट? एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है कुछ प्रोडक्ट्स, और वहाँ पर भी आपको मेहनत का काम है, राइट? क्योंकि आप जनरल वर्कर हैं, आपसे क्या क्या कराया जा सकता है, आपसे पैकिंग कराई जा सकती है सामान को, मान लीजिए 15 से 20 किलो 25 किलो का सामान आपको बोला जा सकता है कि इसको गाड़ी में लोड करिए, अनलोड करिए, इस फ्लोर से उस फ्लोर पर लेकर जाइए। मीन्स वही व्यक्ति अप्लाई करे जिसने पहले से मेहनत की हो, जो फिजिकली फिट हो और जो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो इस टास्क को आगे कैरी ऑन करने के लिए। अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला जो जनरल वर्कर का काम है, इसका इंटरव्यू हम लोग कराने जा रहे हैं 23 जून को। तो आप देहरादून या दिल्ली हमारे किसी भी ऑफिस में आ सकते हैं, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को बता दें, 1-2 दिन का ही समय बचा है। तो ये तो है पहला ओपनिंग। और जो किचन, बेस किचन वाला जो जनरल वर्कर की वैकेंसीज हैं, उनका इंटरव्यू का डेट हम जल्दी डिक्लेयर करेंगे। तब तक आप हमारी टीम से बात करते रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते रहें, हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, ओके? नाउ सेकेंड डेट जो हमारे पास आया है, वो आया है, आपको याद होगा मैंने एक 4-star होटल की ओपनिंग्स आपके साथ शेयर की थी, राइट?
तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन की शॉर्टलिस्टिंग तो हमने विदाउट इंटरव्यू कर लिया था, लेकिन कुछ डेजिग्नेशंस ऐसे हैं जिसके लिए क्लाइंट ने बोला है कि कैंडिडेट्स को ऑफिस में बुलाया जाए और वहीं पर ही क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। तो क्या डेजिग्नेशंस हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हाउसकीपिंग स्टाफ, राइट। याद रहे 4-स्टार प्रॉपर्टी है, बुल्गेरिया की प्रीमियम लोकेशन पर है, राइट। तो हाउसकीपिंग स्टाफ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, राइट। या फिर आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट होने चाहिए, मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, और आप थोड़े से अडेप्टिव होने चाहिए, आप बोल सकें, समझा सकें और कन्विंस कर सकें क्लाइंट को। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, देखिए बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स होते हैं, हमारे भाई लोग होते हैं जो बोलते हैं सर फ्रंट ऑफिस में काम करना है, रिसेप्शन में जाना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको, 4-स्टार प्रॉपर्टी है बुल्गेरिया की, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, राइट। तो फ्रंट ऑफिस के लिए कैंडिडेट्स चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस चाहिए। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन में हम लोग प्रायोरिटी उन लोगों को देंगे जिन्होंने ITI किया हो, अगर ITI नहीं किया है तो फिर किसी अच्छी कंपनी में काम किया हो, उसका उनके पास में कोई प्रूफ हो, ICARD वगैरह हो, या फिर वो गल्फ में होकर आए हों, राइट। इसके अलावा मल्टीपल टेक्नीशियंस चाहिए। मल्टीपल टेक्नीशियन क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा आदमी जो 2 से 3 काम कर ले, मान लो उसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रीशियन का काम आता हो, थोड़ा बहुत प्लम्बिंग का काम आता हो, थोड़ा बहुत पेंटिंग का काम आता हो। और ये लोग करते क्या हैं? देखिए होटल के अंदर आप लोग बैठे हैं, राइट। ऐसा कोई नया होटल तो बन नहीं रहा है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मीन्स किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया कि मेरा एक टाइल डैमेज हो गया है, तो इमीडिएटली आप गए, आपने उसको रिपेयर कर दिया। किसी के वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है प्लम्बिंग का, आप इमीडिएटली गए, आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं, स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड के होते हैं या फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज में काम करके आते हैं, इस तरह के हमें मल्टीपल टेक्नीशियन चाहिए। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स 2 पर्टिकुलर ओपनिंग्स। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक सी वैकेंसी है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हस्बैंड वाइफ, राइट, जो कि एज अ कपल माइग्रेट करना चाहते हैं। देखिए काम है ब्लू कॉलर्ड, राइट, आपको एज अ हस्बैंड वाइफ दोनों को वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। हस्बैंड का जो काम रहेगा वो गार्डनिंग करना इस तरह का रहेगा, वाइफ का जो काम होगा वो किचन का काम करना, इंटीरियर्स का काम करना। मीन्स कुल मिलाकर एक बड़ी लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक विला है, अब हस्बैंड वाइफ ने उसको पूरा मेंटेन करना है, राइट। तो आप इसको मेड या डोमेस्टिक हेल्प की तरह समझ सकते हैं, और इसमें दोनों को ही इंडिविजुअल सैलरी मिलेगी। बस एडवांटेज ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ माइग्रेट कर सकते हैं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर एक साथ रह सकते हैं, राइट। इसके लिए भी कुछ ओपनिंग्स हैं हमारे पास, और इसमें हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं मैच्योर्ड लोगों को, राइट, बट ध्यान रहे कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब है दोस्तों, ये कोई मैनेजरियल जॉब नहीं है, राइट। और आपको मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि जिस काम में भी आप जाएंगे आपको एटलीस्ट 1 ईयर तक वो काम करना ही है। 1 साल के बाद अगर आप मूव करना चाहते हैं तो कंपनी से NOC लेकर मूव कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये था बुल्गेरिया को लेकर ब्लॉग, और भी मल्टीपल ओपनिंग्स बुल्गेरिया की चल रही हैं जो कि मैंने इस ब्लॉग में अभी नहीं बोली हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनको मेंशन कर दूंगा कि और हमारे पास क्या ओपनिंग्स हैं, राइट। इसके अलावा क्रोशिया, सर्बिया की कुछ ओपनिंग्स हैं हमारे पास जो मैं आपके साथ अभी जल्दी से शेयर करूंगा, और गल्फ की भी बहुत प्रीमियम वैकेंसीज मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर रहा हूँ। तो इमीडिएटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट, बेल नोटिफिकेशन आपको आएगा तो आप इमीडिएटली देख पाएंगे। दूसरा जो तरीका है हमें रेगुलरली फॉलो करने का वो है टेलीग्राम, और हम लोग अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट करते हैं जो करंट वैकेंसीज हैं। इसके अलावा वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करके अपडेट ले सकते हैं कि क्या क्या ओपनिंग चल रही हैं, कहाँ के लिए अप्लाई करूँ, मेरा प्रोफाइल कैसा है। अगर आप मेरे से भी बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे ऑनलाइन बात कर लूँगा, राइट। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप छोटे काम के लिए आप इतना दूर ट्रेवल करके आए तो मोस्ट वेलकम, आप गेस्ट हैं हमारे, बट जो बातें ऑनलाइन हो सकती हैं तो आप ऑनलाइन कर लें। जब आप कोई पेमेंट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तब तो ऑफकोर्स आपको आना ही पड़ता है, या फिर आपका VFS होता है, या सबमिशन होता है, या फ्लाइट होता है, डेफिनेटली यू विल हैव टू ट्रैवल ऑन दैट डे। बट ये छोटी मोटी चीज़ के लिए आप परेशान ना हो, आप ऑनलाइन हमसे बात कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।